गुड मॉर्निंग. टुडे इज अवर टॉपिक एक्सरसाइज 6.6. ओके, क्वेश्चन है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई हमने 6.5 तक मल्टीप्लाई ही किए हैं. मल्टीप्लाई मीन्स अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है, गुणा करना, यानी एक दूसरे डिजिट को एक दूसरे से टेबल के अकॉर्डिंग गुणा करना. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक अलग प्रकार यानी अलग टाइप से मल्टीप्लाई करना सिखाया है. सो हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.6. 6.6 क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई. ओके, क्वेश्चन ए 16 × 200. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको अलग प्रकार से मल्टीप्लाई करना बताया गया है. वो कैसे, ये देखिए इक्वल टू 16, तो हम 16 पूरा ऐसे लिख देंगे, इनटू 200 को हम कैसे लिखेंगे देखिए. 200 को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 × 2 × 100. ओके, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 16, तो 16 हो गया ऐसे. फिर इनटू 200 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ओपन करके लिखेंगे, यानी 2 × 100 क्यों लिखेंगे कि 100 की जब आप मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो क्या होगा, 200 होगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे लिखा. अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32. तो 32 हम यहाँ लिखेंगे इनटू 100 जो है वो यहाँ उतरेगा. फिर क्या करेंगे, 32 ऐसे उतार के और इस 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 से हम अगर कितनी भी काउंटिंग करें तो वो सेम ही आता है. जैसे 32 × 1 = 32, तो 1 हम नहीं लिखेंगे कहीं पे भी, 32 लिख दिया. अब हम क्या देखेंगे कि 100 में जीरो यहाँ पे जीरो कितने हैं, पीछे 2 है ना, तो यहाँ पे आपको वो जीरो ऐसे उतारने हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3200, यानी 3200. ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं.